News 18, India. आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है, साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था, क्या जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां IIT जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIIT DM कुर्नूल,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससीआर बहरामपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी, यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है।